हाय गाइस, आज मैं आपको कलाई और खटाई बनाना सिखाऊंगी। आरजू की किचन में आपका स्वागत है। अभी आम के सीजन चल रहे हैं तो मैंने आपको अचार बनाना बताया। अब मैं आपको खटाई जो दाल में, कढ़ी में, सब चीज़ में डालने के लिए स्टोर कर आप साल भर 2 साल रख सकती हैं और ख़राब नहीं होते हैं, किस तरह से बनाते हैं बताती हूँ। ये जो है ये खटाई है, इसको जो है मैंने कच्चे आमों को, जब जालियाँ पड़ जाती हैं इसमें ये दे देती हैं, तो मैंने जो है इसको छील के काट के बीज निकाल के इसको इस तरह से धूप में सुखा लिया है। और सुखाने के बाद आज मैंने जो बाद में बनाने जा रही हूँ तो इसको गुनगुने पानी में हींग डाल के धुल लिया, धुल के फिर से एक बार धूप में सुखा दिया है, इसका पानी सूख जाए। तो ये जो है दाल में और कढ़ी बनाते समय जैसे खट्टे चाहिए आपको, दही नहीं है तो उसको भिगो के रख दीजिए तो बना सकते हैं। इस तरह से मैंने ये कलाई है, जब आम में जाली नहीं पड़ी रहती है तो आम मुलायम होते हैं, तो हम इसको जो है छील के, ये देखिए किस तरह से मुड़ जा रहे हैं, और ये जो खटाई थी ये मुड़ती नहीं है, कितना भी दबाई है ये मुड़ेगी नहीं, ये मुड़ जाती है, देखिए ये इतनी मुलायम होती है। इसको जैसे आप कुछ भी चाट बनाना है, कुछ भी बनाना है तो आप इसको भिगो के पीस सकते हैं, उसमें यूज़ आता है। लेकिन इस तरह से अगर हम कच्ची रख देते हैं जैसे इस तरह से सुखा के, तो ये ख़राब हो जाती है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से बना के रख दीजिए कि ये ख़राब नहीं होगी, आप साल भर जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले इसको जो है मैं जो अचार का मसाला था, अचार का मसाला जिस तरह से मैंने तैयार किया था उसी तरह से मैं ये मसाले तैयार किए हूँ। और इसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे अचार में ज़्यादा लगा देते हैं, लेकिन इसको तो हमें खाना है नहीं, इसको तो सिर्फ वैसे ही कलाई यूज करते हैं, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगा के मैं इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगा के जार में रख दूँगी। देख सकते हैं ये बना के मैं रख दूँगी, सारे मैं इसी तरह से बना के रख दूँगी। इसी तरह से देखिए ये खटाइयों को भी मैं इसको भी इसी तरह से मसाले में मिक्स करके डाल दूँगी। ये देख सकते हैं मेरा जो है एक जार में मैंने खटाई को रख दिया है। इस तरह से खटाई आप रख के एक आध दिन, इसको सिर्फ एक आध दिन धूप दिखा दीजिए, बाकी इसको ऐसे ही रख दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, और खाने में डालिए, खाने का टेस्ट बदल जाता है इससे। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। बाय।